हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी का समोसा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम समोसे के लिए डो तैयार करेंगे। बड़े बॉल में मैदा डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, तेल के जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मीडियम डो तैयार करेंगे। मीडियम डो हमारा तैयार है। एक चम्मच तेल डालेंगे और डो को चिकना कर लेंगे। तेल लगाकर डो को हमने चिकना कर लिया है। डो को हम 20 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, हींग डालेंगे, जीरा मिलाएंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, प्याज को डालेंगे और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने बीच बीच में चलाते हुए अच्छा ब्राउन होने तक पका लिया है। गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे। अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट मिलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चा टेस्ट निकल जाए। अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को हमने एक मिनट तक पका लिया है। हल्दी पाउडर डालेंगे, मटर मिलाएंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है। पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी को अच्छे से मिलाएंगे। पत्ता गोभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आलू को मैश करके डालेंगे। बॉइल आलू है, हाथों से मैश कर लेंगे इस तरह से। रेड चिली पाउडर डालेंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। हमने चलाते हुए 5 मिनट तक पका लिया है। आखिरी में हम नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। नींबू के रस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। समोसे की स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। डो हमारा सेट हो गया है। डो को हम एक बार और मसल लेंगे। डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे, इस तरह से हम एक लोई बनाएंगे, चकले पर रखेंगे और इस तरह से हम लंबा बेलकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम बेलेंगे, चाकू से बीच से काटेंगे। अब इसमें से हम एक हिस्सा उठाएंगे इस तरह से। किनारों पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि समोसा अच्छे से चिपक जाए, तलते वक्त खुले ना। अब हम इस तरह से सील करेंगे, कोन बनाएंगे। इस तरह से हम अंगूठे से दबा देंगे।
बीच में हम स्टफिंग को भरेंगे। उंगली से दबा देंगे। पीछे साइड हम एक प्लेट बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से हम दबा देंगे, अच्छे से पैक करेंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार करेंगे। समोसे को तलने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना है, हल्के गर्म में ही समोसे को तलेंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। इसी तरह से हम समोसे को बीच बीच में चलाते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। समोसे को हमने अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए समोसे को भी फ्राई कर लेंगे। आपको हम समोसे तोड़कर दिखाएंगे कितना खस्ता और कितना अच्छा बना है। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार है। इसे आप बनाइए और नारियल की चटनी या मीठी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।